नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा को एक बार फिर नंबर वन बनाने की कवायद शुरू हो गई। आज डिप्टी कमिश्नर अनंत कुमार ध्रुवे ने कई क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जी हां, वहीं तिलक मार्केट, दीनदयाल रसोई और शहर के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था देखी। जहां दीनदयाल रसोई के पीछे नाली को देखकर दरोगा के ऊपर गुस्सा जाहिर किया, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसे जल्द से जल्द सफाई करा और जो मटेरियल बाहर पड़ा है उनका चालान काटा जाए। दीनदयाल रसोई के पीछे बनाने की दीवार को देखकर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया। 2021 की तैयारी में शासन के निर्देशानुसार, हमारे माननीय कमिश्नर श्री हिमांशु सिंह जी के निर्देशानुसार, हम शहर की सफाई व्यवस्था में फोकस करना चाहते हैं। हमने शहर पे स्थापित विभिन्न सार्वजनिक शौचालय, वहाँ पर सफाई व्यवस्था, PTPT की व्यवस्थाएँ और भी जितने भी, मतलब यहाँ पर हमने शहर में कुछ स्थान ऐसे भी चयनित किए हैं जहाँ पर कुछ हमें गंदगी दिखी, हमने हमारे सफाई कर्मचारियों को, सफाई दरोगाओं को निर्देशित किया है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। और भी पूर्व में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने कार्य किया है। वर्तमान में साहब कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार पूरे शहर में विभिन्न वार्डों में, 48 वार्डों में हमारे अधिकारी कर्मचारी सतत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। चूँकि सामने दीपावली पर्व है, इस पर्व में वैसे भी सभी घरों से कचरा वगैरह संग्रहण होता है, निकलता है काफ़ी मात्रा में। इसके बाद आफ्टर दीपावली हम इसको और भी गति प्रदान करेंगे। हमारा यह प्रयास है कि पूर्व की भांति स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारे नगर को, हमारे शहर को, हमारे निगम को उच्चतम अच्छा अंक प्राप्त हो, अर्जित हो और पूर्व की भांति जो हमारे पादान बना हुआ है, गत वर्ष 16वें रैंक पर हम थे। हम चाहते हैं कि हमारा नगर निगम सफाई व्यवस्था में और भी उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए नंबर वन बने। इस हेतु, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।